हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज इस वीडियो में हम ZN को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अपनी लास्ट वीडियो में, लास्ट टू वीडियोस में हमने ये देखा कि ZN को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, क्या ये ग्रुप होता है, ये इक्विवेलेंस क्लासेस का एक सेट बनता है ना, ये कैसे एडिशन मॉड्यूलो एन के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप बना। ठीक है, अब उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि क्या ZN मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो N के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। तो इसका आंसर है नहीं। कैसे नहीं होता कि इसके रिस्पेक्ट में भी आप एक सिंपल सी केले टेबल बना के देख लीजिए। हम क्या ग्रुप कर रहे थे, हम Z4 पढ़ रहे थे सेट, हम Z4 ही ले लेते हैं। Z4 क्या होता है, 0, 1, 2, 3, तो ये हुआ 0, 1, 2, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में हम एक अपनी टेबल बनाएंगे। ठीक है, और टेबल से देखेंगे क्या ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे पहले अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जरूर देखें कि कैसे हमने उसमें डिटेल में ये देखा कि कैसे हम इस केले टेबल से वो चारों प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो हमें चाहिए होती हैं किसी भी सेट को एक ग्रुप प्रूव करने के लिए किसी भी गिवन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे भी हम इस ऑपरेशन से देखते हैं, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन 4 है। आप 0 को 0 से करोगे, 0 को 1 से, 0, 0, ठीक है, क्योंकि 0 को, इस ऑपरेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको वहां भी बताया था। देखिए, जैसे आपको दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, दो एलिमेंट्स को आपने ऑपरेट करना है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4 हो या 5 हो या कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को आप इससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो रिमाइंडर आएगा क्या बचेगा, रिमाइंडर 2, क्योंकि 4 7 28 होता है, जो रिमाइंडर होता है वो इसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, a क्रॉस b मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n इज इक्वल टू, आंसर क्या होता है, r, वेयर r इज रिमाइंडर व्हेन a क्रॉस b इज डिवाइडेड बाय n, जब आप a क्रॉस b को n से डिवाइड करते हैं। तो ये होता है Z4 के लिए, जो भी आपका ये मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 का ऑपरेशन है। तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, है ना, इसमें क्या आएगा 2, इसमें रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर फिर से 2, 2 3 6, ओके, 3 0 3 1 3 3 2 6, रिमाइंडर 2, 3 3 9, रिमाइंडर 1। तो अब आप ये देखिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स आंसर में आए ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। ये ग्रुप में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, Z4 में 0, 1, 2, 3 होते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम ग्रुप के दो एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगाएं तो आंसर में भी हमें ग्रुप के एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिविटी को उनको सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब भी आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2, 3 में से ही आएगा। तो अब हमने थर्ड प्रॉपर्टी आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो आप ये देखिए, जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ रहा है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑपरेट करें आइडेंटिटी के साथ तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। 0 को किससे ऑपरेट करा, 1 से 0 मिल गया, 1 को ऑपरेट करा, 1 से 1 मिल गया, 2 को ऑपरेट करा, 1 से 2 मिल गया, 3 को ऑपरेट करा, 3 मिल गया। दैट मीन्स आइडेंटिटी भी है बट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, देखिए इनवर्स एलिमेंट वो होता है किसी भी एलिमेंट का कि मैं ए को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। तो देखिए क्या 2 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 2 को चारों से ऑपरेट करने पे कहीं भी 1 नहीं मिला,
जीरो को चारों से ऑपरेट करने पे कहीं भी वन नहीं मिला, इसीलिए रिवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये जो है ये एक ग्रुप नहीं है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, हम ये बोल सकते हैं कि जेड एन मल्टीप्लीकेशन एन इज नॉट अ ग्रुप। अब एक तो हमें ये एक रिजल्ट मिल गया कि जेड एन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन एन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाता। अब अगर आया, अगर हम एक सेट और बना दें जिसको हम बोलते हैं जेड एन स्टार, इसका मतलब होता है, जेड एन स्टार का मतलब क्या होता है, इसमें से हम जीरो को हटा दें तो क्या ये एक ग्रुप बनाता है, 4 up to so on n-1। और अगर हम जेड फोर की बात करें, जेड फोर स्टार क्या बन जाएगा, 1 2 3। तो क्या ये एक ग्रुप बनाता है, देखिए कैलेट टेबल, 1 2 3 1 2 3। आप इसको ऑपरेट करेंगे ये तो 1 2 3 ही आ जाएंगे, 2 2 4 0 2 3 6, आपका जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना, और 3 2 6 2 3 3 9 1। तो यहाँ तो हमें यही दिख गया कि जो है ये सेट है, ये सेट क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये भी जो सेट बनता है ये ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा रिजल्ट कि जेड एन स्टार। ठीक है, अब आपको पता है कि जेड एन स्टार अगर कहीं किसी बुक में लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब क्या है कि उस सेट में जीरो नहीं है और वो सेट क्या है, 1 2 n-1 है, इज नॉट अ, ये भी एक ग्रुप नहीं है। अब बात आती है तीसरे रिजल्ट की, तीसरा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। व्हाट इज दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट कहता है जेड एन मल्टीप्लीकेशन एन, ओके मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एन इज अ प्राइम नंबर। अगर एन एक प्राइम नंबर है, और इस बात को हम केले टेबल की हेल्प से ही देखेंगे कि अगर एन एक प्राइम नंबर हो तो ये सेट ग्रुप कैसे बन जाता है। तो ये सेट सपोज कीजिए मैं जेड फाइव स्टार ले लूं, तो ये सेट क्या होगा, 1 2 3 4 यही होगा, इसकी केले टेबल हम बना सकते हैं। और केले टेबल की हेल्प से ही हम देखेंगे कि ये सेट जो है ये ग्रुप कैसे बन रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये आएगा, 1 2 3 4, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, 3 2 6 3 3 9, ओके 3 4 12, 2 रिमाइंडर, 4 2 8, 4 3 12, 2 रिमाइंडर, 4 4 16, 1 रिमाइंडर। अब हमने इसकी टेबल देखी, अब इस टेबल की हेल्प से आप ये देखेंगे कि प्राइम के नंबर के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप कैसे बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी, मतलब कि अगर हम 5 ले रहे हैं और 5 किन्हीं भी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना, दैट मीन्स 5 करना चाहिए या इसको डिवाइड या इसको डिवाइड, बट ये सारे नंबर्स क्या है, 5 से छोटे हैं, तो किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, है ना, और बाकी जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। सिमिलरली इसी आइडेंटिटी हेल्प से या इसी की हेल्प से आप ये भी दिखा सकते हैं कि एसोसिएटिविटी भी वेरीफाई होगी। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 आपके पास है ही सही, और इस टेबल की हेल्प से हमें ये भी दिखता है कि हर एलिमेंट इन्वर्टिबल है। तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर n एक प्राइम हो, या फिर आप ये बोल देते हैं जेड पी क्रॉस पी इज अ ग्रुप, ओके पी वेयर पी इज अ प्राइम, तो ये रिजल्ट आपका एज इट इज यूज हो जाता है। ये हमेशा कब होगा, जब पी एक प्राइम होगा, अदरवाइज कुछ भी n हो या फिर जेड एन स्टार हो या जेड एन हो, ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होते, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनते हैं। ठीक है, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।